मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे बता रहे 50 रुपए और केवल है 2। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ एस्कॉट टेंपल, जो कि अंग्रेजों का मंदिर कहा जाता है। तो एस्कॉट टेंपल में जाके दिखाता हूँ कैसा है मंदिर अंदर से और कैसे दर्शन होते हैं हमारे, कौन कौन मिलता है। तो आज तक तो वैसे मैं गया नहीं हूँ कभी, पहली बार ही जा रहा हूँ। डर पे है वो भी मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा। मिलता हूँ आपको मंदिर ही पहुँच के। तब मैं यहाँ चाय पीने के लिए बैठा हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो चाय पीऊँगा। मैं चाय पी रहा हूँ अभी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने में, 10 मिनट कम। तो गाइस चाय वाय पी के मैं जा रहा हूँ एस्कॉन टेम्पल, घूमता हूँ एस्कॉन टेम्पल, उसके बाद जाऊँगा बाकी बिहारी मंदिर। और बाकी बिहारी मंदिर के कितने रुपये लोगे? बस अकेला हूँ। कितने लोगे? 20। वो 50 बता रहे हैं भैया पीछे वाले। तो बाकी बिहारी के मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे बता रहे हैं 50 रुपए और केवल है 2 किलोमीटर। भाई देख रहे हो, बाकी एस्कॉन टेम्पल आ गया हूँ, जिसे अंग्रेजों का मंदिर कहा जाता है, अंग्रेज वगैरह हो सकता है मिले। तो चलते हैं एस्कॉन टेम्पल में, मिलता हूँ जाके भाई एस्कॉन टेम्पल आपसे। तो ये सामने गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा खड़ी हुई है और एक तरफ बजरंगबली की, और ये मंदिर बना हुआ है, पता नहीं कौन सा मंदिर है ये। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं एस्कॉन टेम्पल, ये सामने उसकी चोटी। लोग आ गए हैं एस्कॉन टेम्पल, ये बोर्ड लगा है और इधर से एंट्री है। यहाँ हो सकता है फॉरेनर्स वगैरह मिल जाए काफ़ी सारे। शूज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे और मैं अकेला हूँ तो निकाल देता हूँ, और कोई है भी नहीं। यहाँ मुझे बहुत सारे फॉरेनर पंडित वगैरह बन जाते हैं, आके रहने लगते हैं, वो लोग मिल रहे हैं। और ये है मंदिर एस्कॉन टेम्पल। ये है भाई एस्कॉन टेम्पल जो पूरा है, बाकी मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, वरना भजन हो रहे हैं जो वो फॉरनर्स कर रहे हैं, आवाज आती होगी। तो भाई दर्शन वगैरह हो गए हैं, बाकी आपने देखा ही होगा कितना सही लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर आने का।
लेकिन घर भी जाना है। तो गाइस आपने मंदिर देख ही लिया होगा, ये है इस्कॉन टेम्पल, अंग्रेजों का मंदिर। यहाँ पे अंग्रेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और वो भी पता नहीं कौन कौन सी कंट्री। बाकी ये है इस्कॉन टेम्पल, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, फॉरनर जहाँ तहाँ पे आपको भजन कीर्तन करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ एक आंटी पता नहीं क्या बेच रही हैं। What is the price? You can buy it. 200, 200. It's very sweet. जी। तो जो फॉरनर महोदया थी उनसे मैंने ये किताब बाय की है, और ये मुझे उन्होंने 150 की दी है। अभी वो पैसे एक्सचेंज कराने के लिए गई हुई है, और वैसे 200 प्राइस बताया था, मैंने ये 150 की ले ली है, और वो भी प्राइस एक्सचेंज करा रही है। मैंने 500 का नोट दिया था उन्हें। रसिया, अरे नाइस कंट्री रसिया। चले हरे कृष्णा, बस वृंदा वन बस। ओके हरे कृष्णा, थैंक हरे कृष्णा। तो भाई मोहतरमा से मैंने बात कर ली थी, तो टूटी फूटी अंग्रेजी में जैसे कि मुझे आई थी, लेकिन वो रसिया की थी, रूस की थी। और मैंने ये किताब बाय की है उनसे, और मैं जा रहा हूँ अब श्री बांके बिहारी टेम्पल के लिए। बाकी ये है पूरा इस्कॉन टेम्पल, कभी आप आइए वृंदावन तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आइएगा। बाकी मैं अपने शूज़ वगैरह ले लेता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। बाकी भैया मुझे शूज़ देंगे 134, 123 मेरा नंबर। शायद कुछ बट रहा है, लेकिन लेन में लगना पड़ेगा, तो इधर से मैं लग जाता हूँ। तो मैंने इन भैया से एक मुरली खरीदी है दर्ज के लिए, छोटी सी, और इन्होंने दी, और ये इन्होंने दी है 20 रुपए की। बाकी 150 रुपए की बुक ली है, वो है रसिया वाली मैम, उनसे मैंने ली थी 150 रुपए की, 150 की दी थी। कितने रुपये लोग? अकेला हूँ। बताओ कितने रुपये लोग? कितने? 10, 20, 50, 100? नहीं जाओगे? चार है छोटे वाले, बजा के दिखाएंगे छोटा वाला। ये बताओ लाओ यार, इसमें नहीं आएगा।